नूरपुर में मनाया गया राष्ट्रीय मतदाता दिवस। एसडीएम गुरसिमर सिंह ने की बतौर मुख्य अतिथि शिरकत। आरके हिमाचल न्यूज के लिए विनय महाजन की रिपोर्ट। नूरपुर राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर आज बुधवार को स्थानीय मिनी सचिवालय में कार्यक्रम का मंडल स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एसडीएम गुरसिमर सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर तहसीलदार संदीप कुमार, इलेक्शन कानून को संजय शर्मा, जीएसएस बॉयज स्कूल के प्रिंसिपल करनैल सिंह सहित इलेक्शन सुपरवाइजर व वीएलओ एनसीसी कैंडिडेट तथा स्कूली बच्चे भी उपस्थित रहे। उन्होंने लोगों को पूर्ण राज्योत्सव दिवस तथा राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बधाई दी। उन्होंने बताया कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव एक अच्छे लोकतंत्र की स्थापना की कुंजी है। गुरसिमर ने कहा कि भारत ऐसा देश है जहां 18 वर्ष की आयु वर्ग से ऊपर के हर नागरिक को मतदान करने का एक समान अधिकार प्राप्त है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर मतदाता के एक एक वोट का बहुत महत्व है। इसमें आप अपने विवेक से वोट डालकर सही उम्मीदवार का चयन कर सकते हैं, ताकि वह देश के विकास और इसे आगे ले जाने के साथ साथ आपके क्षेत्र की समस्याओं को उठा सके। उन्होंने कहा कि देश व समाज को आगे ले जाने में युवाओं की अहम भूमिका रहती है। उन्होंने युवाओं से मतदान के दौरान 100% भागीदारी सुनिश्चित बनाने के साथ साथ अन्य लोगों को भी इसके प्रति प्रेरित करने का आह्वान किया। एसडीएम ने इस मौके पर 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं को अपना वोट बनवाने सहित मतदान के दौरान अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित बनाने व अन्य लोगों को मतदान में भाग लेने के प्रति जागरूक करने की भी शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा वीएलओ तथा नए पंजीकृत मतदाताओं को सम्मानित भी किया गया। उपमंडल के अन्य मतदान केंद्रों पर भी स्थानीय वीएलओ द्वारा लोगों को मतदान का महत्व समझाया गया तथा उन्हें मतदान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की शपथ दिलाई गई। जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे बहुत सारे एनसीसी के कैडेट्स और हमारे बच्चे जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जैसे कि हम लोग अगर इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में देखें तो ये हमारा नेशनल वोटर्स डे है। क्या चीज कोई बता सकता है मुझे क्या है? कोई भी जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा जो देश है वो एक लोकतांत्रिक देश है, मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री। तो हमारे देश में जो भारत निर्वाचन आयोग है, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये सेटअप हुआ था 25 जनवरी 1950 को। तो उस दिन को लेते हुए हम हर वर्ष हमने भारत मतदाता दिवस को मनाना स्टार्ट किया। आज हम अपने 13वें मतदाता दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो बेसिकली अगर हम इसको देखेंगे ना, तो हम इसके थीम को जानना चाहेंगे और इसके लोगों को। जैसे कि मैं कल ही पढ़ रहा था, तो इसका जो थीम है वो क्या है, वो है नो वोटर शुड बी लेफ्ट बिहाइंड, जो था हमारे 2022 का थीम। और 2023 का हमारा थीम है नथिंग लाइक वोटिंग, वी शुड वोट फॉर श्योर। इसका बेसिकली मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें, हमारे लिए वोट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वोट करना, चाहे वो कोई भी वर्ग का इंसान हो, चाहे वो छोटा, चाहे वो 18 वर्ष का हो, चाहे वो 25 वर्ष का हो, चाहे वो 30 वर्ष का हो, सबके लिए वोट करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पावर ऑफ वोट है, जैसे हम बोलते हैं ना पावर, मतलब किसी शक्ति किसी चीज की। तो ये आप सबकी, जब आप वोट करना स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए एक शक्ति है। इसी के साथ साथ हम इसके लोगों को भी देखेंगे, तो इसका लोगो बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे लोगो लगा हुआ है वोट जैसा। हाँ, तो जैसे कि आप देखो इसमें सब कलर्स आइडेंटिफाइड है, मतलब इट्स लाइक अ रेनबो। तो ये एक तरह का फेस्टिवल है, मतलब हम मानते हैं कि जब इलेक्शन स्टार्ट होते हैं, जब इलेक्शन होते हैं तो एक तरह का एक त्योहार रहता है, मेला रहता है जो एक दो महीने चलता है। आपने भी सबने देखा ही होगा कि हमने एक इलेक्शन को जब भी आप सबने ऑब्जर्व किया होगा, तो इट्स लाइक अ मिनी फेस्टिवल। उसके और इसके अलावा ये आप पीछे देखेंगे एक अशोक चक्र बना हुआ है। ये बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारी जो इंडिया है, इट्स वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम देखेंगे कि 2019 में वी हैव नियरली 90 करोड़ वोटर्स हु आर रजिस्टर्ड वोटर्स, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है जो वोट करने के लिए वोटर्स रजिस्टर्ड थे। उसके अलावा इसमें एक और देखिए एक चीज, एक हार्ट को वोट दिखा रहे हैं। इट जनरली शोज
कि वी हैव अ राइट टू वोट एंड द टिक मार्क दिस साइन इज लाइक अ टिक मार्क विच जस्ट टेल्स अस अबाउट द इनफॉर्म्ड डिसीजन वी हैव टू मेक लाइक एक ऐसा डिसीजन जिसके ऊपर किसी के आप कोई प्रेशर नहीं है. आप जब भी वोट डालने जाओगे आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी आप वोट डालने जाओ तो ये एक आपका डिसीजन है, किसी और का डिसीजन नहीं है. चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, चाहे आपके रिलेटिव्स हैं, ये किसी का डिसीजन